जय हिंद बच्चों बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा चार अंक जगत कार्य पुस्तिका यानी कि जो वर्कबुक आपको मिली है उसके प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। और ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो हैं कॉन्सेप्चुअल हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और इससे आपकी जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, अटल आवासीय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल या किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिससे आपको एडमिशन क्लास सिक्स में मिले, तो उसके लिए बच्चों काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। बच्चों, साथ ही साथ इन कम्पिटिशन्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन करके फ्री तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं अन्य वीडियोज़ में भी बताया हूँ कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और बच्चों समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ये जो किताबें हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई हैं, कार्य पुस्तिका अंक जगत, और काफ़ी अच्छे सवाल हैं इसमें और आपको वाकई बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलने जा रहा है। अगर आपको सभी चैप्टर्स के चाहिए, जैसे आपको क्लास फाइव की भी वर्कबुक के आंसर्स चाहिए, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अच्छी संख्या में। अगर आपको इंग्लिश जो है, हमारी स्प्रिंग है, रेनबो है, जो इंग्लिश की वर्कबुक के भी अगर आंसर्स चाहिए तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं उसके भी आंसर्स को यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये छोटा बड़ा संख्या का है तो बहुत कुछ समझाने लायक नहीं है। आपको लगेगा कि सर यहाँ हमें समझा दीजिए, तो मैं उन प्रश्नों को समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, बढ़ते हुए क्रम में लगाना था तो मैंने बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर संख्याओं को लिख दिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे घटते हुए क्रम में लगाना था तो मैंने घटते हुए क्रम में संख्याओं को लिख दिया था। आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीन शॉट लेकर इसका आंसर आप अपने वर्कबुक में समझ करके लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, संख्याओं को शब्दों में लिखना था तो संख्याओं को यहाँ शब्दों में लिख दिया गया है, तो इसको आप ले लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, अंकों में लिखना था तो मैंने अंकों में लिखा है। और ये देखिए प्रश्न है, तो प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। एक विद्यालय में बालकों को 3,465 पुस्तकें वितरित की गई और बालिकाओं को 4,383 पुस्तकें वितरित की गई। ज्ञात करो कि कुल कितने पुस्तकें हैं। तो भाई, लड़कों और लड़कियों को जितनी मिली उनको क्या करना है, यहाँ जोड़ देना। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पुस्तकों की संख्या 7,848 हमारी आ जाएगी। ठीक है, और ये देखिए, इस तरह के प्रश्न अभी जब बॉक्स वाले आएंगे, घटाने वाले आएंगे, तो उसमें विद्या ज्ञान वगैरह में आते हैं, तो यहाँ ना बॉक्स देखे कहीं ऊपर बॉक्स दे देगा, तो ये सिंपल जोड़ के प्रश्न थे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने सवाल है कि ये देखिए, इस तरह का तो नवोदय विद्या ज्ञान में आता है कि 4, 5, 2, 3 से बनने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो, दोनों का अंतर बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या इन्हीं अंकों से जो बनी कि उसको हमने घटा दिया, तो ये उत्तर आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल गुणा करना था तो यहाँ पर हमने गुणा कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है कि एक मेज का मूल्य 665 रुपये है, तो ऐसी चार मेजों का मूल्य क्या होगा। तो भाई, एक टॉफ़ी का दाम अगर 2 रुपये तो 3 टॉफ़ी का कितना होगा, इसको हम गुणा कर देते थे। ठीक है, तो वही हमने गुणा कर दिया और ये उत्तर हमारा आ गया। ठीक है, अब ये देखिए, गुणे के सिंपल प्रश्न हैं तो ये आप इसको कर लेंगे। ठीक है, आसान प्रश्न होते हैं। हम देखिए, फिर से सवाल है आपके सामने, कक्षा तीन के प्रत्येक विद्यार्थी के पास चार चार पुस्तकें हैं। ठीक है, हर एक लड़के के पास है, हर एक बच्चे के पास। यदि कक्षा में 37 विद्यार्थी हैं तो कुल पुस्तकों की संख्या बताओ। भाई, 37 विद्यार्थी हैं, चार चार एक को दी गई, तो हमें क्या करना है, चार से गुणा कर देना, ये उत्तर हमारे सामने आ जाएगा, 148 पुस्तकें। ठीक है, तो सिंपल है, यूनिटरी मेथड एकिक नियम के तहत है कि अगर एक टॉफ़ी का दाम इतना है तो इतने का कितना होगा। वैसे ही कि हर एक बच्चे को चार पुस्तक दी जा रही है, तो 37 बच्चे हैं, कितने होगा, 37 × 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करके करना है। तो ये सिंपल देखिए, तो भाग का प्रश्न है, आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये पुनरावृत्ति या रिवीजन है। ठीक है, तो कक्षा तीन के जो सवाल हैं वो यहाँ रिवाइज आपके हो रहे हैं, लेकिन ये सब जानिए बच्चों, कंपटीशन इसी से होता है। यहाँ पर देखिए, अंश और हर पूछ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पूछ रहा है, तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो हमने संख्या यहाँ पर लिख दी है। सिंपल देखिए, भिन्न का जोड़ घटाना है, तो काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पर हमें परिमाप निकालना था, पहले तो लाइनों को मिलाना था, लेकिन हम लाइन नापते हैं तो एक जैसी आकृति नहीं बनी है कि हम इसको आयत या परिमाप का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे और इसका उत्तर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, रोमन अंक का प्रयोग यहाँ बताया गया है।
ठीक है, तो 12 कैसे लिखेंगे, पहले 10 लिख लेंगे, 10 में हम 2 जोड़ देंगे। जब इधर संख्याओं को लिखते हैं तो ये जुड़ जाती हैं। बच्चों ये बेसिक वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप जो मेरी प्लेलिस्ट है नवोदय की, उसमें जाकर इन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रुपया और पैसे का है, तो इस पर तो काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं। तो कई बच्चे यहाँ पर पैसे वाले में देखिए हो क्या रहा है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये आपका 183 आएगा। ठीक है, अगर इसको जोड़ते हैं तो ये आएगा आपका 130। अब देखिए जो यहाँ पर आपको पता है ना कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, ये तो पता है आपको। ठीक है, तो मैंने 100 पैसा इसका जो है 130 को कैसे लिखेंगे, 100 + 30 लिखेंगे, तो 100 पैसा को मैंने रुपये की तरफ लिख दिया 1, तो यहाँ आ गया आपका 184, और 30 पैसे को यहाँ रहने दिया। तो यही आपको ध्यान देना है, अगर कोई हासिल आता है तो उसको ले जाना है। तो ये वैसा साधारण हासिल नहीं है बच्चों, क्योंकि ये रुपया ये पैसा है, जब तक 100 पैसा आपका नहीं होगा तब तक आप इसको रुपये की तरफ नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैसे ही घटाना है। अब देखिए 5 में से 23 घटेगा नहीं, तो इसका 1 हासिल उधर जाएगा तो ये 88 हो जाएगा। अब यहाँ 1 नहीं जाएगा कि आप इसको 6 कर देंगे, यहाँ पर जाएगा 100, 100 में 5 जोड़ेंगे 105 हो गया, 105 में से 23 आप घटाएंगे, ठीक है, और 88 में 58 घटाएंगे तो 30 रुपये आ जाएंगे। तो ये सिंपल है, लेकिन इसी सिंपल सवाल में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ के चीज़ों को नोट कीजिएगा। और यहाँ देखिए हमें कहना है कि दिनों की संख्या कितनी है, तो कई बच्चे सोचेंगे भाई 365 होता है, सर ने 366 क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों 2008 जो है वो एक लीप वर्ष है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में देखिए फरवरी में आपके 29 दिन होते हैं, बाकी साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हम कैसे जानेंगे, भाई सर आप कैसे जाने कि 2008 जो है लीप वर्ष है, कुछ नहीं बच्चों, जो साल 4 से भाग हो जाए वो लीप वर्ष होगा। तो हम 4 से भाग करके देखें भाई, 4 × 5 = 20, ठीक है, कट गया, 0 उतरा, फिर 8 उठता, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 4 × 2 = आपका 8, ठीक है, तो ये आपका कट गया, तो कितना उत्तर आ गया, 502 आ गया, मतलब ये कट रहा है। हमें देखना था कि कटेगा कि नहीं कटेगा, हासिल तो नहीं रह जा रहा है, जैसे इसमें हासिल रह जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर 366 दिन हो गए, ये सामान्य वर्ष है 2009, तो 365 दिन हो गए, इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिनों की संख्या है, तो सिंपल है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, जो ये वाली डेट नहीं लेते हैं, ये भी डेट हमें लेके चलनी है, तो 17 दिन यहाँ पर आएगा। और घड़ी में समय कितना हो रहा है, ये तो काफ़ी आसान है, आप अपने से कर भी लिए होंगे। और यहाँ पर देखिए ये ग्राम और किलोग्राम वाला है, जैसा मैंने आपको समय वाला बताया था वही यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1050 ग्राम इसका जोड़ आएगा। ठीक है, आपको पता है कि 1000 ग्राम जो है वह 1 किलोग्राम 1 kg के बराबर होता है। तो जब इसको 1050 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 + 50 भाई जोड़ेंगे तो यही तो आएगा, 1000 जब हो गया तो हमने इसको क्या किया, किलोग्राम की तरफ भेज दिया। मतलब देखिए 4 और 2 = 6 होता, 1 हमने जोड़ा तो यहाँ 7 आ गया, 50 को यहीं रहने दिया। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट आपको नवोदय विद्या ज्ञान अटल आवासीय सैनिक स्कूल जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों उसमें ये काम आने वाला है। ठीक है, वैसे ही देखिए ये तो सिंपल जोड़ था, ये भी सिंपल था, ये भी घटाना, जैसे घटाना होता तो हम 1000 इधर हासिल ले जाते। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये आपको मिलीलीटर दिया है, इसको लीटर में बदलना है। तो आपको पता है कि 1000, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो उसको बदलने के लिए हमें 1000 से भाग करना होगा। ठीक है, तो कई बच्चे भाग करने लग जाएंगे, कुछ नहीं करना बच्चों, जो संख्या दी गई है 3125, आपको 3 जीरो है 1000 में, आप 3 जीरो आइए, 1 2 3 और यहाँ दशमलव दे दीजिए, तो भाग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वैसे ही यहाँ करना था, तो यहाँ पर लीटर दिया है, इसको मिली में बदलना है, तो इसमें आपको 1000 से गुणा करना होगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1000 से गुणा करेंगे तो असली में गुणा मत करने लग जाएगा, जो संख्या दी हुई है 3 जीरो है, 3 जीरो बस लगा दीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए लीटर और मिलीलीटर को जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ घटेगा नहीं, तो हासिल जब आएगा तो यहाँ 1000 हासिल आएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न आपके हल होंगे। ठीक है, अब देखिए ये सवाल आपके सामने,
तेल विक्रेता के पास 78 लीटर 250 मिली मिट्टी का तेल है, उसने 59 लीटर 500 मिली मिट्टी का तेल बेच दिया, बताओ अब उसके पास कितनी मिट्टी का तेल बचा। तो सिंपल है कि अगर 10 अमरूद थे, 6 अमरूद कोई बेच दिया तो कितना बचा, 4 बचा, घटाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें घटाना है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा 250 में से 500 तो जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 1250। 1250 में से 500 घटाएंगे और ये हो जाएगा आपका 7। 77 में से 59 घटाएंगे तो आपका 18 आएगा। ठीक है, तो बस आपको घटाना सीखना था कि किस तरह से घटाना है, तो इसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल सवाल है, 12 मीटर में कुल कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 होता है तो 12 में कितना होगा, 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो वैसे ही देखिए ये भी आपका प्रश्न हल होगा, और ये आपका एक और फिर से जोड़ और घटाना इसका यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पर हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 414 और यहाँ आ जाएगा 183, क्योंकि 100 इधर आएगा जो मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर जो और चैप्टर्स हैं लेसन 1 2 3 सब पूरा आपको बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, क्लास 5 का भी या क्लास 8 के बच्चे चाह रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तो मैं आपके प्रश्नों को बता दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।